ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। यमादि साधन के बाद नियमादि साधन करने से क्या फल मिलेगा उसका चर्चा हो रहा था। नियम में जो पंच प्रकार साधन है, शौच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानानि, उसमें से पहले है शौच, क्लीनलीनेस एवोल्यूशन। शौच में दो विभाग है, बाह्यिक शौच आभ्यंतरीण शौच। ये शौच का जो तात्पर्य है, अगर हम गहराई से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आश्चर्य की बात है, शौच को कभी हल्कापन से ना लिया जाए। शौच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, जो कि हम लोग इसके इतना गुरुत्व नहीं देते हैं। विशेषतः पाश्चात्य संस्कार सभ्यता के संस्पर्श करने के बाद, तो हमारे जो देश है, हमारे देश में शौच का अत्यंत अधिक गुरुत्व दिया जाता था। लेकिन जो विदेश में उनके आबहवा का भी कारण है, शीत प्रधान देश है, इतना वो लोग दैनंदिन स्नान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे देश में शौच का, बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री इट वॉज पॉसिबल, शौच इज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो हम लोग देखें शौच का जो दो विभाग है, जो कायिक शौच, उसमें क्या होता है, शौचात सांग जुगुप्सा परोय असंसर्ग, जो नियमित दो शुचिता के प्रयास के समय करते हुए हम क्या देखते हैं कि हमारे शरीर कितने अशुचि है। जब हम शरीर को साफ करते रहेंगे तब हम लोग साफ करते करते हार जाते हैं। कितना साफ करें, यही साफ किया फिर गंदा हो गया, यही साफ किया फिर गंदा हो गया। इसके बाद में क्या होता है, ये साफ करते करते शरीर कितने जो अपवित्र चीज है वो धीरे धीरे मन में बैठ जाता है, और आखिर में क्या होता है, शरीर को और शरीर के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। शरीर हैज़ टू रोल्स, शरीर एक है हमें जो शरीर के माध्यम से हम अनुभूति लेते हैं, हम देखते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, शरीर इज ए फंक्शनल वैल्यू। एंड दूसरा, शरीर इज ए सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, तो इंद्रिया जो इंद्रिया का सुख वो हम शरीर से लेते हैं, एवं शरीर का हमको फॉरवर जीने के लिए शरीर की ज़रूरत है। बॉडी इज नेसेसरी फॉर अवर लॉन्जिविटी फॉर अवर लाइफ। हाँ, ये जो शरीर का जो सोच है, शरीर को जो सूचिता है, करते की हुई करते करते क्या शरीर के प्रति हमारे घृणा का भाव आ जाता है, वी बिकम टोटली, जैसे ठाकुर ने जैसे बताया
अगर वो विश्लेषण करे शरीर के भीतर, तब शरीर के प्रति वैराग्य आ जाता है विश्लेषण करने से। ये एक मेथड है जी, शरीर के भीतर कितना जो नाल है, ये खून है, फिर दैट जो अपवित्र पदार्थ रहता है, तो जो मांस होता है, मज्जा रहता है, अस्थि रहता है, शरीर के भीतर भरा हुआ है। ये जो शरीर का अगर हम सोचे ठीक से कि क्या कोई पवित्र चीज़ है, नहीं पवित्र नहीं है, इसको पवित्र रखने का हम प्रयास करते हैं, एवं ये प्रयास ही हमें शरीर कितने अशुचि है वो भली भांति ये बोध दे देंगे। ये बोध देने के बाद शरीर के प्रति आकर्षण और नहीं धीरे धीरे घटते जाता है। और वैसे ही पर शरीर में एक ही किस्म है, जो शारीरिक आनंद हम एक शरीर से ले सकते हैं और दूसरे शरीर के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन जब अपने शरीर पर उतना घृणा हो गया तो दूसरे शरीर पर भी उतना घृणा होगा। तो शारीरिक शौच का जो फल वह है कि स्वाधीनता, इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस को नहीं रहते हुए अब जी सकते हैं। यू आर ऑल स्लेव टू द डिमांड्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग शरीर का जो शारीरिक जो डिमांड है, इंद्रिय सुख है, उससे हम फंस जाते हैं, लेकिन जब शरीर के प्रति उनका वो घृणा हो गया तब इंद्रिय सुख भी कर नहीं पाएंगे। ये एक सुख और अपने इंद्रिया क्या, भी दूसरा इंद्रिया का कोई भी सुख नहीं हो पाएगा, ये सुचिता से आ रहा है। अभी दूसरा है, इससे भी महत्वपूर्ण बात है, आभ्यंतर सोच, मानसिक सोच। अच्छा, मानसिक सोच क्या है? मन में कुचिंता नहीं लाना। ये हम चर्चा किए हैं, लेकिन मन में कुचिंता तो हम जानबूझ करके नहीं लाते हैं, ये अपने आप आ जाते हैं संस्कार के बस, वो कैसे हम हटाए, इसको भी चर्चा पतंजलि ने किया है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अगर शरीर जो जहाँ पर जाना है नहीं गया तब क्या करेगा, वितर्क भावनम, जो सोच कर इसको बनना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा ये कितने शरीर गंदा चीज है, ये हो गया। तो वैसे ही जब हमारा मन में कोई कुचिंता आएगा तब मन में पितर को भावना देना पड़ेगा, ये भावना हमें कहाँ पर गिरा देगा। पक्षांतर में अगर मन पवित्र रहे तो हमें सब कुछ मिलेगा, यही विचार लाना पड़ेगा। जो मानसिक सोच का जो कितने बड़ा जो प्राप्ति है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। मानसिक सोच से मिलता है तो हम प्रैक्टिकली जो चीज़ चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, ये जागतिक जीवन में जो चीज़ चाहते हैं वो सब शरीर का शरीर के जो हमारे मानसिक शुचिता से मिल जाता है। एक शारीरिक शुचिता, दूसरा है मानसिक शुचिता। मानसिक शुचिता की बात हो रहा है जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो बात ही क्या है। तो मानसिक शुचिता में क्या हम लोग देखे हैं, पांच चीज हमें प्राप्ति होती है, फाइव आउटकम्स, फाइव जो हमारे फॉलो आउट है, प्राप्ति है। प्रथम है सत्व शुद्धि, हम लोग चर्चा की है सत्व शुद्धि, मन जो मन का चित्त शुद्धि हो जाता है। मन चित्त शुद्धि अगर हो जाएगा, चित्त के अशुद्धि का कारण क्या है, नाना प्रकार का कामना वासना, कामना वासना से कुचिंता आता है। जब कुचिंता सब कुछ हटा दिया, मन को एकदम साफ कर दिया, तब पहला जो हमारा असुविधा है तो नहीं रहेगा।
सत्य शुद्धि होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। अच्छा ना, दूसरा है सोमनस्य, तो प्रशांति होगा। सोमनस्य है मन का सुख, बहुत आनंद मिलता है। किसे? सोमनस्य, जो मानसिक सोच से मानसिक शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, अपने आप आनंद मिलेगा, इसको सोमनस्य कहा जाता है। तीसरा है जो जो मानसिक सोच के शांति के बाद एकाग्रस्य, एकाग्रता। मन जब शांत हो जाएगा, मन जब साफ हो जाएगा, उस मन में हम मन को फोकस कर सकते हैं एक पॉइंट पर, जो कि पतंजलि राज योग में जो योग का प्राप्ति के लिए अन्यतम प्रधान जो प्रीरिक्विजिट, पहले से ही पतंजलि कह रहा था योगानुशासन, योग चित्त वृत्ति निरोधः, समाव आधा वी हैव टू मेक द माइंड स्टेडी। व्हेन यू मेक द माइंड स्टेडी एंड प्योर साइमल्टेनियसली, तब तो काम बहुत ही बन जाता है। तो इसीलिए जो मन का जो दुर्भावना हटाने के लिए मन को चांगा रखना चाहिए, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और मन को चांगा रखने से क्या होगा? पहले सत्व शुद्धि, उसके बाद में मन की एकाग्रता, सोमनस्य मन की शांति सुख, और एकाग्रता तीन नंबर। चौथा बताया इंद्रिय जय, इंद्रिय वशित्व। अरे बाबा, वन कैन बी मास्टर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। हमारे जीवन में इतना विपत्ति का कारण है, हम इंद्रिय का बस है, वी आर स्लेव टू आवर सेंसेस। जीवन में, जगत में यही तो जड़ का प्रधान माने एकमात्र कारण है कि हम लोग इंद्रिय का दास है। अगर आँख पूछ बोलेगी ये देखो, आपको देखना ही पड़ेगा, कान बोलेगी ये सुनो, सुनना ही पड़ेगा। वी हैव नो कंट्रोल ओवर द इंद्रिय। और ये जो मानसिक सोच से क्या होगा, इंद्रिय बशित, तो इंद्रिय जय हो जाएगा। और इंद्रिय जय ना केवल होगा, उसके बाद में कहते हैं आत्मदर्शन, जो उनका जो दर्शन के लिए उनका जो प्रयोजन है, योग्यता, आत्मदर्शन योग्यता प्राप्ति। ही बिकम्स कॉम्पिटेंट टू रियलाइज गॉड। कितने बड़ा बात बता दिया पतंजलि योग सूत्र में है ये, इसको साथ आत्मदर्शन जो योग्यता, ये सब आपको मानसिक सोच से मिलता है। आत्मदर्शन जो मतलब जो हम तो सभी आत्मदर्शन करना चाहते हैं, उसको हमारा योग्यता क्या था? योग्यता था हम हमारा मन एकदम ये विचारशील ऐसी करके हमारा साफ नहीं था। आत्मदर्शन ऐसी अभी कहा गया था ऐसी नहीं था, इसलिए हमें झेलना पड़ रहा। अर्थात जो मानसिक सोच का बात चल रहा है, मानसिक सोच में हम जीवन में पाने के लिए सब कुछ ही मिल गया, जागतिक जग दुनिया में भौतिक प्राप्ति में अगर आपको एकाग्रता रहे, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये एकाग्रता रहे, आप आध्यात्मिक दुनिया में बहुत आगे सकते। एकाग्रता मेन थिंग, कॉन्सेंट्रेशन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो ही तो मिल जा रहा है सोच से, और क्या चाहिए होगी। जब मन एकाग्र हो गया तो हमें जगत में जो कुछ चाहिए हम मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या चाहते हैं? शायद कुछ नहीं चाहते, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जब ये पांच प्रकार का हमारे मदद मिल जाएगा, तब हम और भी इसका आगे और भी हमारे जीवन कैसे विकसित हो सके, उसका चर्चा किए हैं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।